नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज से न्यूज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या दोस्तों विधानसभा सीटों वाले राज्य यानी कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से क्या कांग्रेस फिर से एंट्री कर पाएगी राजस्थान में, या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी पारी खेलने वाली है। इसी कड़ी में दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम राजस्थान विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में हमेशा यह होता है कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस पार्टी। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी या फिर कांग्रेस पार्टी मजबूत पारी खेलेगी? तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं, बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीट है और 5 में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आरएलपी और अदर पार्टी को 0-0 सीट। 12 जी हाँ दोस्तों, 12 जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। आरएलपी का तमीज 0 और अदर पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं बूंदी की, 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आरएलपी यहाँ पर 0 पर सिमट सकती है, अदर पार्टी को 0-0 सीट। यानी कि बूंदी में अच्छी खासी लीड के साथ बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो आरएलपी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों में से अभी तक 12 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको जनता की राय दिखा रहे हैं और यहां पर बीजेपी को 9 सीट, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट, आरएलपी का तमे 0, अन्य पार्टी का तमे 0-0 सीट। दोस्तों राजस्थान में गहलोत सरकार ने बिजली के दाम ना के बराबर कर दिए हैं और यहाँ पर काफी किल्लत देखनी पड़ रही है बिजली की, और बिजली यहाँ पर किसानों को नहीं मिल पा रही है। कभी 4 घंटे तो कभी 2 घंटे लाइट आती है किसानों की और रात में आधी आधी रात तक लाइट काट दी जाती है राजस्थान की सरकार की ओर से। यहाँ पर फ्री नहीं, फ्री का खाना महंगा पड़ रहा है राजस्थान की जनता को, यहाँ की जनता का कहना है। दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले की, यहाँ पर मेवाड़ की धरती यानी कि चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है, कांग्रेस पार्टी को 0, आरएलपी खाते में 0 और अदर पार्टी को 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं मरुद्रा की यानी कि जैसलमेर की, जैसलमेर में 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 2 में से 1 पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आरएलपी खाता में 0, अदर पार्टी को 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं दौसा जिले की 5 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाता में 0 सीट, अन्य पार्टी को 0-0 सीट। राजस्थान में अब तक 200 में से 24 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 18, कांग्रेस पार्टी को 6 और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 0, अन्य पार्टी का 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं धौलपुर जिले की यानी कि राजस्थान के धौलपुर जिले में 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 4 में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट। डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर भी बीजेपी को 2 सीट तो कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीट, यानी कि काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है धौलपुर और डूंगरपुर में, यानी कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और दोस्तों बात कर लेते हैं करौली जिले की 4 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि करौली में पिछले दिनों हुई घटना के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, यानी कि यहाँ की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी को 3 सीटें दे सकती है यहाँ की जनता, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने में कामयाबी मिल सकती है और आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 36 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 25 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 11 सीट, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी का तमे 0, अन्य पार्टी का तमे 0-0 सीट। राजसमंद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी का तमे 1 सीट, आरएलपी का तमे 0, अन्य पार्टी का तमे 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की अब तक 49 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी का तमे 34 सीट है, कांग्रेस पार्टी का तमे 15, आरएलपी का
खत्म है 0, अन्य पार्ट खत्म है अपना 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिलों के, यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। राजस्थान का अगला जिला झालावाड़ है। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खत्म है 0, अदर पार्टी खत्म है अपना 0-0 सीट। सिरोही, जी हाँ दोस्तों राजस्थान का जिला सिरोही जिले में 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 3 में से 2 पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल होने में कामयाबी मिल सकती है और आरएलपी खत्म है 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट यानी कि 1 भी सीट नहीं मिल पा रही है आरएलपी और अदर पार्टी को। दोस्तों बात कर लेते हैं टोंक जिले की। टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खत्म है 0, अन्य पार्टी खत्म है यहाँ पर 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 60 विधानसभा सीट का अब तक ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 42 यानी कि 42 सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 18 सीटें, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी खत्म है 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं सुरू जिले की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खत्म है 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं गंगानगर की। गंगानगर में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खत्म है 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। करौल जालौर की। जालौर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खत्म है 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट यानी कि जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 77 सीट यानी कि 77 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, तो 55 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 22 सीटें, आरएलपी खत्म है 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कोटा। कोटा जिले की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। पाली की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से दोनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी, आरएलपी, अन्य पार्टियों के ऊपर 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 91 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यानी कि आधी से कम सीटों पर ओपनिंग पोल हो चुका है और यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को यहाँ पर काफी ज्यादा घाटे का सौदा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी 67 यानी कि 67 सीट पर हावी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 24 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, आरएलपी यहाँ पर 0 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं झुंझुन की। जी हाँ दोस्तों राजस्थान का जिला झुंझुन जिले की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खत्म है 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खत्म है 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। भरतपुर की 7 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 7 में से 6 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आरएलपी खत्म है 0, अन्य पार्टी खत्म है यहाँ पर 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 112 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 84 और कांग्रेस पार्टी खत्म है 28 और आरएलपी खत्म है 0, अन्य पार्टी खत्म है यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं भीलवाड़ा जिले की। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 7 ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी हावी रह सकती है यानी कि क्लीन स्वीप कर सकती है बीजेपी। यहाँ पर बीजेपी सभी 7 ही सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाबी मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को 0, आरएलपी खत्म है 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बीकानेर की। जी हाँ दोस्तों बीकानेर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आरएलपी खत्म है 0, 1 सीट जा सकती है, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अजमेर जिले की यानी कि अजमेर संभाग की। बात करें तो अजमेर में 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खत्म है 0, अन्य पार्टी खत्म है यहाँ पर 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के 200 में से 134 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 103 सीट यानी कि जीत का आंकड़ा यानी कि बीजेपी अपने पाले में कर सकती है जीत 2023 के चुनाव में। इसके लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान की जनता यहाँ पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दे सकती है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 30 सीटें, आरएलपी का तमें 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं उदयपुर जिले की। जी हाँ दोस्तों उदयपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है नेशनल कांग्रेस पार्टी, आरएलपी पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सीकर जिले की। जी हाँ दोस्तों राजस्थान के सीकर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी का तमें 1 सीट है। नागौर जिले की। जी हाँ दोस्तों आरएलपी का नागौर में क्या रहेगा स्थिति। जी हाँ दोस्तों नागौर में 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से यहाँ पर 1 पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, बाकी सभी 9 सीटों पर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल यहाँ पर जीत हासिल करने में कामयाबी मिल सकती है।
अन्य पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा सब हो सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के 200 में से 160 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 118 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 31 सीटों पर, आरएलपी को यहाँ पर 11 सीट, अन्य पार्टी का 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं जोधपुर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 8 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। अलवर जिले की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से बीजेपी खाते में 9 सीटें, यानी कि अलवर में बालकनाथ योगी यहाँ के लोकसभा सांसद हैं और यहाँ पर बीजेपी को 9 सीटों पर जीत हासिल दिला सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आरएलपी का तमें 0, अन्य पार्टी का तमें यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर जयपुर की 19 विधानसभा सीट है, यानी कि राजस्थान की कैपिटल की बात करें, यानी कि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 19 विधानसभा सीट है, 19 में से 16 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 191 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, यानी कि 151 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना पलड़ा मजबूत कर सकती है, यानी कि बाकी 50 सीटों पर, यानी कि 38 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 11 सीटों पर आरएलपी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया और क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।